YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। राष्ट्रीय टीकाकरण योजना के तहत शनिवार को पलामू जिले के पाटन प्रखंड अंतर्गत लोहिंगा गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण के बाद करीब 2 दर्जन बच्चे गंभीर हो गए, जिन्हें परिजनों द्वारा आनंद फानन में समीप के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बाद में गंभीर रूप से बीमार 3 बच्चों की मौत इलाज के दौरान हो गई, जबकि दर्जन भर बच्चे फिलहाल डाल्टनगंज के सदर अस्पताल में भर्ती हैं, जिनकी हालत खतरे से बाहर बतलाई जाती है। उधर हृदय विदारक घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक राधाकृष्ण किशोर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ डाल्टनगंज के सदर अस्पताल में पहुंचे और बच्चों के स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली। साथ ही घटना पर भारी दुख प्रकट करते हुए मृत बच्चों के परिजनों को उन्होंने सांत्वना प्रदान की। मौके पर ही मृत बच्चों के परिजनों को सरकार की ओर से अनुग्रह राशि के तौर पर 1-1 लाख रुपए के चेक विधायक राधाकृष्ण किशोर के हाथों प्रदान किया गया। लोहिगा गाँव में आज सुबह मुझे सूचना मिली, हमारे कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया कि कल टीका पड़ा था और टीकाकरण के बाद कुछ बच्चों की तबीयत खराब हुई और जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। सुबह हम प्रखंड विकास पदाधिकारी जी दोनों पे गए हैं वहाँ पर, तो देखा कि जनता के मन में काफ़ी उद्वेलना है, आक्रोश है और लोग सड़क जाम करके बैठे हुए थे। मैंने इनसे पूछा, घटना की जानकारी ली, लोगों ने बताया कि कल जापानीज इंसेफ्लाइटिस का, DPT का और BGS का टीका पड़ा था। 9 लोगों को पड़ा है, 9 बच्चों को, इनकी उम्र 1.5 वर्ष से 2 वर्ष के अंदर ही है और सभी बच्चों की स्थिति एक जैसी थी, वॉमिटिंग हुआ है, फिर लूज मोशन भी हुआ इन लोगों को, तेज़ बुखार हुआ, जिसमें से ये 3 बच्चे नहीं रहे, अब इनका निधन हुआ और शेष जो बच्चे अभी जीवित हैं तो उन्हें हम लोगों ने अस्पताल भिजवाया या डाल्टनगंज सदर हॉस्पिटल में। 2 लोग यहाँ आए हैं, शेष लोग हो सकता है किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास गए हों, लेकिन जो सिम्टम्स लोगों ने बतलाया, तो जो सिम्टम्स इन 3 जो आज नहीं है, जो जीवित नहीं है, जो सिम्टम्स इन 3 बच्चों में था वही सिम्टम्स अन्य बच्चों में भी पाया गया। तो फिर हम लोगों ने ग्रामीणों से बातचीत की, ग्रामीणों ने कहा कि एक तो प्रशासनिक कार्रवाई हो, जिन लोगों की गलती से ऐसा हुआ है, अगर टीका में ही कहीं कोई गड़बड़ी रही हो, एक्सपायरी रहा हो, तो एक तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हो और दूसरा आर्थिक मुआवजा की बात लोगों ने किया है। हमने बात की स्वास्थ्य सचिव श्रीमती निधि खरे जी से, तो उन्होंने फिर रिंग बैक करके मुझको बताया कि ये बहुत गंभीर मामला होगा अगर इस प्रकार की बात होगी, और राज्य स्तर की वो जांच उन्होंने आदेश किया है। डायरेक्टर इन चीफ श्री सुमंत मिश्रा जी डायरेक्टर इन चीफ है, तो उन्होंने फिर स्पष्ट भी किया कि एक जांच दल का गठन हो चुका है, आज और कल के अंदर हम लोग जाएंगे और देखेंगे विस्तारपूर्वक कि कहीं दवा में टीका में ही तो गड़बड़ी नहीं थी। उसके बाद फिर जहां तक आर्थिक मुआवजे की बात हुई, तो मैंने मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री सुधीर वर्णवाल जी से बातचीत किया, तो उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी को अवगत कराता हूं पूरी घटना के बारे में और 10 मिनट के अंदर मैं फ़ोन करता हूं। 10 मिनट के अंदर उन्होंने रिंग बैक किया और कहा कि मुख्यमंत्री जी काफ़ी मर्माहत हैं इस घटना को लेकर के, गहरी संवेदना उन्होंने व्यक्त किया है और उन्होंने निर्णय किया है कि 1-1 लाख सहयोग राशि, आर्थिक सहयोग राशि, वो प्रत्येक मृतक परिजन को उपलब्ध कराई गई। ये सारी बातें लगभग 10:30-11 बजे की है और सरकार की संवेदनशीलता है ये कि 3 घंटे के अंदर 1-1 लाख रुपये का चेक जो मृतक के परिजन हैं उनको उपलब्ध करा दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर टीकाकरण हो रहा है और अगर ये बात सामने आ गई कि टीका में ही गड़बड़ी है तो इसका बड़ा व्यापक असर पड़ेगा, लेकिन अभी कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा, मेडिकल टीम जांच कर ले, उसके बाद क्या जांच प्रतिवेदन आता है उसके बाद ही कुछ कह पाना संभव है।
ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था ने सरकार के दावों की एक बार फिर से पोल खोल कर रख दी है, जिसकी वजह से लोहंगा के 3 घरों के आंगन सूने हो गए। पीड़ित परिजनों ने बताया कि टीकाकरण के बाद बच्चों का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा और बुखार के साथ उल्टी और दस्त होने पर बच्चों को समीप के स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया, जहां से गंभीर स्थिति की वजह से बीमार बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों द्वारा डाल्टे के सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां देर रात इलाजरत 3 बच्चों की असामयिक मौत हो गई। इस संबंध में विधायक राधाकृष्ण किशोर ने भी माना कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर स्थिति है। कहा कि स्वास्थ्य सचिव निधि खरे से इस संबंध में बातचीत हुई है और मामले की गहराई से जांच हेतु राज्य स्तर से गठित मेडिकल टीम यहां पहुंचेगी, फिर चूक कहां पर हुई रिपोर्ट मिलने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कहा दोषियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। देखा जाए तो देश भर में यह टीकाकरण अभियान अपनी गति पर है। इस टीके से बच्चों में जापानी बुखार सहित कई जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। इन सब के बीच से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सरकार द्वारा मिली मुआवजा राशि पीड़ित परिजनों के लिए पर्याप्त मरहम का काम करेगी? क्या इससे स्वास्थ्य विभाग कुछ सबक ले सकेगी या फिर इसी ढर्रे पर निरंतर स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी चलती रहेगी? नौ निहाले के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ आखिर कब तक होता रहेगा? अनगिनत सवाल इस घटना के गर्भ से निकलने को आतुर है। अब देखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ करने के लिए सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए जाते हैं, यह सब आने वाला वक्त ही बतलाएगा। ग्राम लोहंगा टोला सुनौर, लेकिन सुई हम लोग का वही पड़ता है लोहंगे में। कब की बात है? कल लगभग 10-11 बजे। लगभग आपके गांव में कितने बच्चों को दवा दिया गया था? हमारा गांव में तो लगभग 10-15 हो, लेकिन 10 अभी तक वो 10-15 बच्चे का स्थिति क्या है वहां पे? 10-15 में 2 में ज्यादा घायल हैं, ऊपर में भर्ती हैं अभी जी। यहाँ है और चल कर घर। सुई देने गया सर 12 बजे दिन में जी, फिर 4 बजे तक ठीक रहा जी। 5-6 बजे से वगैरह थोड़ा हल्का हल्का बुखार रहने लगा जी। बुखार लगला के बाद फिर सोचा कि पोलियो की सुई दिया है तो बुखार तो लगता है अधिक, मैंने जरूरी है तन मैंने। और उसके बाद फिर 12-2 बजे के लमसम पेट थोड़ा अथी हो गया रात को। हाँ, तो रात को हम लोग निकल गए किशनपुर हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में आए तो बस यहाँ वहीं हॉस्पिटल। क्या नाम हुआ आपका? धीरेंद्र। पोलियो का दवा दिए थे, उनका नाम कुछ पता? वो तो डॉक्टर बताएंगे। गांव में आके दिए थे जी। नर्स दी थी? एएनएम थी। आंगनबाड़ी वाले? आंगनबाड़ी में पढ़ा था। आंगनबाड़ी में पढ़ा था? कौन आंगनबाड़ी केंद्र में? गांव में ही लोहंगा में। लोहंगा आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ा था। करीब कितने बच्चों को पोलियो का दवा मिला था? लगभग 21-22 बच्चे के वो हुआ, वो पड़ा हुआ है। अभी आपके गांव में बच्चे की स्थिति क्या है? जिन लोग और लोग सारे बच्चे भर्ती हैं, जैसे कि पोलियो का कल 1:30 बजे आने की चढ़ाने के गए थे और उसके बाद वो लेकर खेल रहा था और उसके अलावा फिर खाना भी खुना के सब कुछ खाया पिला और उसके बाद जो है 1-2 बजे के रात में सुबह में 4 बजे भोर में 2 बार उल्टी किया। उसके बाद मैं उसको डॉक्टर के पास लेने लगे तो बीच में डॉक्टर के पास जब छोटा डॉक्टर के पास यहाँ गए तो बोला कि बाबू सीरियस है, हमारे से नहीं बनेगा। जब वहाँ से जब उसको निकाले तो वहीं उसके बाद थोड़ी यहाँ से छुट्टी हो गया वही जी। कल जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा पूरे देश में राष्ट्रीय पोलियो दिवस मनाया जा रहा था, उसी के कारण पाटन में एक जगह है लोहंगा, वहाँ लोहंगा के पंचायत भवन स्वास्थ्य केंद्र में जो किशनपुर में पोस्टेड है एनएम कोई पांडे जी हैं, पांडे जी के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र में ही बच्चे लोग को पोलियो का टीकाकरण जो भी दवा होता वो पिलाया जा रहा था। लगभग 20-21 बच्चों को पिलाया गया उस गांव के, असनौर गांव हो गया, लोहंगा हो गया, लोकल कारर के बच्चों का। लेकिन जैसा सब लोग जानते हैं कि पोलियो का टीका पड़ने के बाद बच्चे बीमार होते हैं तो लोग उतना माइंड नहीं करते हैं, लेकिन रात में फिर इन लोग का हालत ख़राब होने लगा। कल इन लोग को 10-12 बजे के आसपास में दवा पिलाया गया, रात में हालत ख़राब होने लगा। सुबह गए वहाँ के लोकल डॉक्टर है किशनपुर में, वहाँ जाने के क्रम में सब बच्चों की मृत्यु हो गई। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि ये राष्ट्रीय लोकल डॉक्टर सरकारी डॉक्टर के देहाती डॉक्टर
लोकल डॉक्टर है लालदेव मेहता जी हैं, वहाँ पे दिखाया गया बच्चों को। जब सरकारी डॉक्टर एमबीबीएस के गांव के नहीं नहीं वहीं किशनपुर के अच्छे डॉक्टर है वो, तो उनसे दिखाया गया, तब तक वहाँ बच्चे मृत हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं ये कल हम लोग राष्ट्रीय पोलियो दिवस मना रहे थे और ये तीन बच्चों की मौत हुई है। अभी पांच बच्चे सदर अस्पताल में भर्ती हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग की जिसकी कमी कही जाए, पूरी तरह से सरकार स्वास्थ्य पे लापरवाह है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम नहीं कर रही है ना। तो आज ये जो नौनिहाल बच्चों को आपने देखा, अभी इन लोग जैसा लग रहा था हृदय विचारक बच्चे, लग रहा था कि आँखें खुली थी वो बोल पड़ेंगे, आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत ही दुखद घटना है।